चलिए आज हम मिक्स पकोड़ा बनाएंगे। मिक्स पकोड़ा बारिश के दिनों में खाने में बड़ा मज़ा आता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो के अंत में मैं आपको एक किचन टिप दूंगी। चलिए शुरू करते हैं मिक्स पकोड़ा। मिक्स पकोड़ा बनाने के लिए हमें लगेगा अदरक लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, अजवाइन, तिल, चाट मसाला, बेसन, तलने के लिए तेल और मिक्स वेज। ये मैंने बैंगन और आलू ले लिए हैं जिनको मैंने नमक के पानी में भिगो के रखा था। अभी हम लोग बेसन का घोल बनाएंगे। बेसन के घोल के लिए हमें लगेगा बेसन, लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला, तिल, अजवाइन, अदरक लहसुन पेस्ट। इसको अच्छी तरह से अभी मिक्स कर लेना है। और इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। पानी एकदम से नहीं डालना है, नहीं तो इसकी गुठलियाँ बन जाएगी और हमारे पकोड़े में बेसन, सूखा बेसन नज़र आएगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है। जितना ज़रूरी हो उतना आप पानी डालिए। देखिए इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा बेसन का घोल मैंने बना लिया है और इस तेल में फ्राई करेंगे। तेल गरम होने के बाद ही इसमें डालना है। देखिए तेल गरम हो गया है, अभी इसमें हम सब पकोड़े डाल देंगे। अगर ठंडे तेल में हम लोग पकोड़े डालेंगे तो पकोड़े अच्छे तरह से पकेंगे नहीं। पहले थोड़ा सा बड़ी आंच पे हमें तल लेना है, फिर उसके बाद आंच कम करना है। अंदर की सब्जियां भी पकनी चाहिए इसलिए। देखिए पूरी तरह से हमारे पकोड़े पक गए हैं। देखिए हमारे गरम गरम पकोड़े रेडी है। इसे सॉस के साथ आप खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, ताकि मैं आगे भी कुछ नए वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। टिप ऑफ द डे, गर्मी के दिनों में अगर आप अचार बनाने का सोच रहे हैं तो अचार में थोड़ा सा विनेगर डालिए, अचार लंबा टिकेगा।